फ्रेंड्स वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स में। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 30। फ्रेंड्स ये टेस्ट नंबर 30 है, इससे पहले हमारे 29 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स आप सभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली टेस्ट सीरीज एक अपलोड करते हैं। ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। ये एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स सीएचओ जितने भी प्रकार के एमपीसीएचओ यूपीसीएचओ यूपीएनएचएम एमपीएनएचएम हरियाणा स्टाफ नर्स मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार रांची फ्रेंड्स ऑल स्टेट एनएचएम एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन फ्रेंड करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत के किस हॉस्पिटल में पहली रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस हैं आपके नर्सिंग एग्जाम्स में, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड वो जीके के आते हैं, जनरल नॉलेज के 10 से 15 क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आते हैं एटलीस्ट फ्रेंड कम से कम। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो इसलिए आपको फ्रेंड्स ये करंट अफेयर भी है और जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो भारत में पहली बार हुआ है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस हॉस्पिटल में पहली रोबोटिक सर्जरी है फ्रेंड वो शुरू की गई है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा, अगर आपको अपना आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसका मैं एनालिसिस करके आपको रिप्लाई देंगे फ्रेंड्स। और आप बताएं मुझे आपने कितने क्वेश्चन सही किए फ्रेंड्स। तो पहली जो रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करें जल्दी से। आंसर है इसका फ्रेंड बी, सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली में फ्रेंड्स। सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली में क्या हुआ है फ्रेंड्स, पहली रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है। ऑप्शन इसका बी फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो फ्रेंड्स किस हॉस्पिटल में पहली जो रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है वो सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में शुरू की गई है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका बी, बाकी सभी ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर टू है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के अभी नर्सिंग एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हुए फ्रेंड्स उस पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं और भारत में पहली बार हुआ है। जो क्वेश्चन भारत में पहली बार फ्रेंड्स होते हैं या सबसे पहले कोई करता है वो क्वेश्चन बहुत चर्चा में होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर जीके में आते हैं, हमेशा इन्हीं क्वेश्चनों का फ्रेंड जीके बनाया जाता है। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आज भी पढ़ेंगे नहीं 10 साल बाद भी पढ़ेंगे, हमेशा के लिए हो जाते हैं जो पहली बार भारत में होता है। क्वेश्चन पढ़ें आप और आंसर बता सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में। भारत का जो पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है बी, मथुरा में खोला गया है। मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है फ्रेंड। ऑप्शन है इसका बी। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इग्नोर ना करें कोई क्वेश्चन, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं बहुत सारे। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा उत्तर प्रदेश मथुरा यूपी में खोला गया है फ्रेंड्स, और काफ़ी चर्चा में है क्वेश्चन से ये ऐसे, और मोस्टली हर एक एग्जाम्स में ये नर्सिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, रेलवे के लिए पुलिस के लिए आर्मी के लिए पीसीएस के लिए एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में हाल ही के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी या रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी, बड़ौदरा गुजरात में खोला जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन है इसका बी, बड़ौदरा गुजरात में भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी या रेलवे विश्वविद्यालय खोला जाएगा फ्रेंड्स। आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड अपने कमेंट करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे फ्रेंड, इससे क्या होगा आपका हेजिटेशन दूर होगा और फ्रेंड आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा फ्रेंड, क्योंकि आपके यहाँ पैसे नहीं पड़ते, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट किया करें फ्रेंड्स और अपने आंसर अपने विचार अपने भी बताया करें फ्रेंड। भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया है भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है, क्या होगा आंसर इसका जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, ऑप्शन इसका फ्रेंड सी, गुजरात में भारत का जो प्लेन पहला डायनासोर पार्क खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, गुजरात में खोला गया है। ऑप्शन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला डायनासोर पार्क गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, भारत
सॉरी देश का पहला हीरा संग्रहालय, यहाँ पर डायमंड म्यूजियम की बात कर रहा है। डायमंड म्यूजियम कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? भारत का या देश का पहला हीरा संग्रहालय डायमंड म्यूजियम कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? ऑप्शन बता सकते हैं आप अपना जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन होगा इसका ए फ्रेंड्स, खजुराहो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये खजुराहो पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ भारत का पहला या देश का पहला हीरा संग्रहालय या डायमंड म्यूजियम कहें, या डायमंड म्यूजियम कहाँ खोला गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका ए। कोई क्वेश्चन आप इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भारत का पहला जो डायमंड म्यूजियम खोला गया है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में खोला गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला वॉटर पार्क कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, और बहुत रिपीट होता रहता है फ्रेंड्स, इसे फ्यूचर में आने के ज्यादा चांस है फ्रेंड्स। और जो भी पहला हुआ है इंडिया में, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ, यही क्वेश्चंस फ्रेंड्स जीके में जाते हैं फ्रेंड्स। जीके बनता है और ये करंट अफेयर के भी हैं और भविष्य में फ्रेंड्स ये जीके भी बनेंगे क्वेश्चन, इसलिए आप इग्नोर ना करें, इन्हें आज कंफर्म कर ले, फ्यूचर में आपको याद रहेगा। देश का जो पहला वॉटर पार्क कहां खोला गया फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन इसका ए गुरुग्राम। गुरुग्राम फ्रेंड हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला वॉटर पार्क खोला गया फ्रेंड्स। और यहीं पर फ्रेंड सोलर एनर्जी अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो भी गुरुग्राम हरियाणा में है फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जो सोलर एनर्जी का हेडक्वार्टर है वो भी गुरुग्राम हरियाणा में। और यहाँ पर पूछा गया है वॉटर पार्क, भारत का जो पहला या देश का पहला वॉटर पार्क वो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, देश का पहला वॉटर पार्क फ्रेंड गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया फ्रेंड, ध्यान रखें आप इसे। और फ्रेंड जो भी नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, वो एक साल या डेढ़ साल दो साल का करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। और क्योंकि ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है, ये क्वेश्चन जीके भी बनेंगे, इसलिए नहीं कंफर्म कर ले तो ज्यादा अच्छा है। देश का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स? एक डिजिटल गार्डन बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, कहाँ बन रहा है? अपना आंसर बता सकते हैं आप। आंसर होगा इसका ए केरल में। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स डिजिटल गार्डन क्या होता है। फ्रेंड डिजिटल गार्डन का मतलब ये होगा फ्रेंड्स, आप किसी भी नेशनल पार्क में जाएंगे या किसी भी गार्डन में जाएंगे तो जो पेड़ होगा फ्रेंड उसके स्टेम, उसका जो फ्रेंड्स जड़ के ऊपर वाला पार्ट होता है स्टेम उसे कहते हैं, उस स्टेम में फ्रेंड्स एक QR कोड लगा होगा। क्या होगा? QR कोड फ्रेंड्स, क्विक रिस्पांस कोड होगा, QR कोड होगा। अगर आप मोबाइल या कोई भी डिवाइस ऐसा लेके जाते हैं जिससे QR कोड स्कैन करके आप उस पेड़ के बारे में, उस ट्री के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या होगा? जैसे ये मान लो ट्री है फ्रेंड्स, ये ट्री है, यहाँ पर एक QR कोड लगा होगा। आप अपने मोबाइल से यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके पेड़ के बारे में किस क्लास का है, कब हुआ था, कैसा है, सारी डिटेल्स आप उसके बारे में जान सकते हैं फ्रेंड। कहाँ कहाँ पाया जाता है, डेंजर है, इनडेंजर्ड है, कैसा है फ्रेंड्स, किस प्रकार की स्पीच है फ्रेंड्स, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जो फ्रेंड डिजिटल गार्डन बन रहा है, हमारा क्वेश्चन है वो कहाँ बन रहा है? केरल में बन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PCS एग्जाम में अभी आया था हाल ही में। देश का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ बन रहा है? केरल में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है फ्रेंड्स? देश का या भारत का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है फ्रेंड्स? कहाँ खोला गया है? ये अभी हाल ही में फ्रेंड्स काम चल रहा है, इनॉग्रेट हो गया फ्रेंड, उद्घाटन हो चुका है, कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका सी ग्रेटर नोएडा में फ्रेंड। देश का पहला जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय या सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन हुआ है फ्रेंड्स? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन है सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी इग्नोर ना करें, आप यहाँ पढ़ लें। देश का पहला जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में खोला गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर नोएडा लिख लें, ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी, क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक फ्रेंड कहां खोला गया है? आप अपना आंसर बता सकते हैं जल्दी से। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी भोपाल में खोला गया है। जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक, भारत का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया है फ्रेंड्स, ये भोपाल में खोला गया है। ऑप्शन इसका बी भोपाल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक वो भोपाल में, मध्य प्रदेश में खोला गया है, भोपाल शहर आपको याद रखना है, भोपाल सिटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। कंफ्यूज ना हो, देख ले कंफ्यूजन के लिए यहाँ सेलेक्ट किया हमने, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत में पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया? ये है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक है, ये क्लिनिक है और ये कचरा कैफे है, ध्यान रखिए आप। ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। भारत का जो पहला कचरा कैफे खोला गया है वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में खोला गया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक है, दोनों क्वेश्चंस पे डिफरेंस करें, ये भोपाल में खोला गया है। कहाँ? भोपाल में। आप यहाँ भी पढ़ लिया करो नोट पे भी, देश का पहला जो कचरा कैफे खोला गया है वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया है? जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। इंडिया के जो फ्रेंड्स फर्स्ट हेल्थ एटीएम, एटीएम जो खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? वो खोला गया लखनऊ में, ऑप्शन है इसका भी, वो लखनऊ में खोला गया फ्रेंड। देश का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ में खोला गया फ्रेंड। आपको बताना है फ्रेंड कमेंट बॉक्स में एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देश का पहला जो हेल्थ एटीएम खोला गया है, या स्वास्थ्य एटीएम कहेंगे, ये लखनऊ में खोला गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर क्या होगा हेल्थ एटीएम में फ्रेंड्स, इस पर आपको कुछ पैसे देने होंगे और उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप अपनी चेकअप करवा सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी सिंपल, बहुत सस्ता है फ्रेंड्स ये मेथड फ्रेंड्स। एशिया का पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाया गया फ्रेंड्स? एशिया का, ये एशिया का पूछ रहा है फ्रेंड्स। भारत, भारत को तो है ही है, लेकिन एशिया, एशिया में जितनी कंट्रियाँ आती हैं फ्रेंड्स, लगभग 48 कंट्रियाँ एशिया में आती हैं, एशिया। और भारत अपना कहाँ स्थित है फ्रेंड? एशिया में स्थित है फ्रेंड। कहाँ? एशिया में, इक्वेटर के ऊपर स्थित है। हम फ्रेंड्स अभी दो चार वीडियो हमारे जीके के आएंगे फ्रेंड, जो हम नर्सिंग लेवल्स की सारी जीके होगी उसे हम कवर कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर के बाद हमारा इंडिया होता है, ये हमारा इक्वेटर के जस्ट ऊपर इंडिया सिचुएटेड है फ्रेंड्स। क्वेश्चन से पूछा गया है एशिया, एशिया के जो फ्रेंड्स पहला डॉल्फिन सेंटर है, डॉल्फिन फ्रेंड्स एक प्रकार की मछली होती है आपको पता होगा, तो ये कहाँ बनाया गया है फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका ए, पटना, ये पटना में बनाया गया फ्रेंड डॉल्फिन सेंटर। ये भागलपुर पड़ता है फ्रेंड्स, भागलपुर ये पटना के पास है फ्रेंड्स, यहीं पर क्या है डॉल्फिन सेंटर बनाया गया फ्रेंड्स। ये एशिया का पहला है, क्योंकि क्यों बनाया गया? क्योंकि डॉल्फिन को क्या है फ्रेंड्स, बहुत खतरा है, लोग इनका शिकार करते हैं, जाल जाल लगाते हैं, नेट लगाते हैं, और इनका कई तरह से फ्रेंड इनकी सेल की जाती है, इनकी इनका व्यापार ट्रेडिंग किया जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए और इनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए डॉल्फिन सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? पटना में बनाया गया, बिहार में बनाया गया है, ध्यान रखें। और अगर भागलपुर ऑप्शन हो तो भागलपुर पे करेक्ट करेक्ट आंसर होगा, नहीं भी आपको पटना बिहार ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एशिया का जो पहला डॉल्फिन सेंटर बना है वो बिहार पटना में बना है, पटना कहाँ है? बिहार में, इसलिए हम दोनों लिख देते हैं, आप ध्यान रखिए, कभी कभी स्टेट पूछ लेता है और कभी कभी वो सिटी का नाम पूछता है, तो दोनों ध्यान रखिए, इसलिए हम दोनों कवर कर रहे हैं। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये भी NCL नर्सिंग स्टाफ में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय ये है सीव म्यूजियम कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? कहाँ खोला गया है? ऑप्शन क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करें आप सब। ऑप्शन इसका ए, लोथल गुजरात में, लोथल फ्रेंड्स गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर भारत का जो फ्रेंड्स पहला समुद्री संग्रहालय सी म्यूजियम खोला गया, सी म्यूजियम खोला गया है, कहाँ? लोथल गुजरात में, ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी पढ़ लिया करें आप, लोथल गुजरात में खोला गया सी म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये काफी चर्चा में रहता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में जो GST लागू किया गया था फ्रेंड्स वो किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था फ्रेंड्स? आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका भी, असम में, भारत में जो GST लागू हुआ था फ्रेंड्स वो असम में लागू हुआ था फ्रेंड्स। और GST दिवस कब मनाया जाता है, GST का पूरा नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा आपका नॉलेज बढ़ेगा फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा अपना आंसर बताया करें, अपनी व्यू बताया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपको हेजिटेशन नहीं महसूस होगी फ्रेंड्स कभी, क्योंकि आपका यहाँ से कम्युनिकेट अच्छा होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, रेलवे में, पुलिस आर्मी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? जो भारत का जो पहला जो सोलर एनर्जी से जो फ्रेंड्स ऑपरेट किया गया है, चलाया गया, संचालित किया गया है फ्रेंड्स, चलाया गया है, बना है या ऐसा एयरपोर्ट जो
जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलाया गया है या बन गया है, सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, वो कौन सा है फ्रेंड्स? आपको इस पे बताना है क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका ए, कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी, हिंदी में कहेंगे सौर ऊर्जा से चलने वाला या संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है देश का। ऑप्शन है ए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहां भी पढ़ लिया करें, जो सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट है वो कोचीन एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 16, स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य। यहां पर है फ्रेंड, जो जनरल कैटेगरी से ईवीएस ईडब्ल्यूएस सॉरी ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी से फ्रेंड्स स्वर्ण होते हैं, जनरल कैटेगरी के ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईवीएस का पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको जो फ्रेंड 10% आरक्षण दिया गया है फ्रेंड्स, वो किस स्टेट ने सबसे पहले ये जो रूल्स है फ्रेंड्स आरक्षण का, किस स्टेट ने लागू किया है, आपको आंसर बताना है। स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला, रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है या कौन सा राज्य? ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, गुजरात। गुजरात फ्रेंड स्वर्णों को जनरल कैटेगरी को ईवीएस, जो जनरल कैटेगरी में ईवीएस होते हैं उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भारत में जो 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है वो गुजरात बना है। ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर भी पढ़ लें, ये पहला राज्य गुजरात बना है, 10% आरक्षण दिया गया फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में ईवीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी एनसीएल एग्जाम स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर दिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के 10% आरक्षण से संबंधित है? यह भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से नर्सिंग स्टाफ में, कौन सा संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के 10% आरक्षण से संबंधित है? वो संविधान संशोधन विधेयक है ऑप्शन बी फ्रेंड्स, 124वां संविधान संशोधन, 124, 124वां संविधान संशोधन विधेयक है फ्रेंड्स, जिसमें जिसके द्वारा फ्रेंड्स 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया गया फ्रेंड्स, ये जनरल कैटेगरी में ईवीएस को दिया गया, वो 124वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स। चलिए हम यहां पर आपको क्लियरिफाई करते हैं, विधेयक क्या होता है, एक्ट क्या होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कौन सा विधेयक था या बिल था, तो हम यहां पर बिल की बात करेंगे अगर, तो वो 124वां 124 ये संविधान संशोधन विधेयक होगा। अगर कहा जाए कि कौन सा एक्ट था, कौन सा भारतीय संविधान का एक्ट था, तो 103 एक्ट था, वो 103rd तीसरे नंबर का 103वां एक्ट था फ्रेंड, 103rd तीसरा एक्ट था फ्रेंड, 103 नंबर का ये कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट था। बिल क्या होता है? बिल वो होता है जब फ्रेंड्स वो लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है, उसे बिल कहते हैं। जब बिल कहते हैं उसे, जो लोकसभा या राज्यसभा में कोई फ्रेंड्स कानून को फ्रेंड्स क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, तो उसे बिल कहते हैं। जब उस पर राष्ट्रपति अपने साइन कर देता है, जब उस पे अपने राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, तो उसे एक्ट बोलते हैं। एक्ट मीन्स कानून बन जाता है फ्रेंड्स, वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, हिंदी में उसे अधिनियम कहते हैं। अगर आपसे एक्ट पूछा जाए या अधिनियम, तो 103 नंबर होगा, क्या 103। अगर आपसे बिल या विधेयक पूछा जाए, जहां पर हमने यहां पर मेंशन किया विधेयक, विधेयक पूछा जाएगा तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। अगर अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाए, संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो 103 अधिनियम है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑक्सीजन पार्लर कहां खोला गया फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में बहुत चर्चा में था, भारत में जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है, कहां खोला गया? एक रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, नासिक रेलवे स्टेशन पर फ्रेंड क्या हुआ है, ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। इस पे क्या होगा ऑक्सीजन पार्लर, ये नासिक, ये जो फ्रेंड नासिक का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट को क्या किया जाएगा, गैदर किया, कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, फिर वहां से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वो जो वहां पर फ्रेंड्स पॉल्यूशन होता है उसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया। ऑक्सीजन पार्लर में क्या होगा फ्रेंड, छोटे छोटे प्लांट या पौधे लगाए जाएंगे वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉल्यूशन को फ्रेंड्स क्या करेंगे, कम करेंगे, ये पॉल्यूशन को
कम करेंगे। और ये खोला गया है नासिक के रेलवे स्टेशन में, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑक्सीजन पार्लर जो इंडिया में खोला गया है नासिक के रेलवे स्टेशन में खोला गया है। इस पर छोटे छोटे प्लांट लगाए जाएंगे फ्रेंड्स, जिससे क्या है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप पहला वाला कहाँ, नासिक रेलवे स्टेशन, ये महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था नर्सिंग एग्जाम में, भारत के किस शहर में पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। आप आंसर बता सकते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, भारत के किस शहर में पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन होगा इसका डी, कोलकाता में। जो फ्रेंड्स भारत में जो पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी शायद 1920 के आसपास, 1920 के आसपास क्या हुआ था 1920 के आसपास कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। बाकी जो ऑप्शन दिए गए दिल्ली मुंबई चेन्नई ये सारे गलत है फ्रेंड्स। कोलकाता में भारत की पहले मेट्रो चली थी फ्रेंड्स, और इसकी शुरुआत हुई थी कोलकाता में, ध्यान रखें। और जो फ्रेंड्स भारत की जो पहली राजधानी है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पहले या यूं कहें जब अंग्रेजों के टाइम में फ्रेंड्स जो भारत की पहली राजधानी बनी थी वो कोलकाता थी। ये 1912 में क्या हुआ था दिल्ली राजधानी बनी, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। इसके पहले जो इंडिया की राजधानी थी भारत की वो कोलकाता थी। 1911 में ट्रांसफर किया गया था, 1912 में अधिनियम पारित करके 1912 में ये क्या कहते हैं दिल्ली को भारत की राजधानी बता दिया गया था या बना दिया गया था, इसके पहले कोलकाता थी। क्वेश्चन देख सकते हैं भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, जल्दी से कमेंट करें आंसर। आंसर इसका ए, 1853 में। भारत में पहली जो रेलगाड़ी चली थी फ्रेंड्स 1853 में चली थी, 1853 में चली थी पहली जो ट्रेन चली थी, 1853 में चली थी। और जो पहली मेट्रो चली थी वो कोलकाता में चली थी, शायद 1920 में चली थी फ्रेंड्स। आप यहां पर थोड़ा देख सकते हैं, क्लैरिफाई कर दें हम आपको, समझा दें। भारत में जो फ्रेंड्स पहली ट्रेन चली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो मुंबई से ठाणे तक चली थी, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास, 35 किलोमीटर या 33 कुछ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों ऑप्शन फ्रेंड्स मिल सकते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, लेकिन आपको 35 पे मार्क करना है। आप ये पूछा जाता है एग्जाम में जो भारत में पहली ट्रेन चली थी वो किस वर्ष चली थी, 1853 में। और दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जो भारत में रेलगाड़ी या ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कहां तक, मुंबई से ठाणे तक चली थी फ्रेंड्स। ये दो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना जो विश्व में सबसे पहली ट्रेन चली थी फ्रेंड्स वो 1825 में चली थी। जो दुनिया में वर्ल्ड में जो संसार में सबसे पहली ट्रेन चली थी वो 1825 में चली थी, वो चली थी लीवर से मैनचेस्टर तक। ये फ्रेंड्स इंग्लैंड की बात हो रही है, ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन में लीवर से मैनचेस्टर तक चली थी 1825 ईस्वी में। जो दुनिया में या संसार में या वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन चली थी वो 1825 ईस्वी में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी फ्रेंड। ये दो सिटियां इनको इनके बीच चली थी। और जो भारत में चली थी बंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक 1853 में चली थी। दोनों ईयर ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 21, ये हमने आपको दिया था पिछले वीडियो का क्वेश्चन से हमारा, नवजात शिशु के सिर की परिधि कितनी सेंटीमीटर होती है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। इस पे पूछा गया है जो परिमाप होता है बेबी के सर का, जो परिमाप होता है फ्रेंड्स, ये खोपड़ी का जो फ्रेंड्स परिमाप होता है फ्रेंड्स, हेड का जो सर्कमफेरेंस होता है, पूछ रहा है कि ये कितना होता है। मोस्टली लोगों ने इसके आंसर सही दिए, जिन लोगों ने गलत दिए फ्रेंड्स वो देख सकते हैं। ऑप्शन होगा इसका भी 33 से 35 सेंटीमीटर। हम एग्जैक्ट इसमें आंसर नहीं बता सकते फ्रेंड्स, और अगर आपको आंसर में मिलेगा तो 33 से 35 मिलेगा ही, क्योंकि अभी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो नवजात शिशु होता है या बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसका जो परिधि होता है, परिमाप होता है हेड का या सिर का, तो वो कितना होता है 33 से 35, क्योंकि किसी बेबी की क्या होती है खोपड़ी थोड़ी सर्कमफेरेंस उसका बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, लेकिन इनके बीच में रहता है 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो ये एवरेज आंसर है, आप इसी को मार्क करें एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 नंबर पे दिया गया है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ओजोन कंजर्वेशन डे या ओजोन प्रोटेक्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं हाल ही में,
और ये ऐसे क्वेश्चन से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर साबित होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी हम इसके फ्रेंड्स दो चार वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरी जीके जो नर्सिंग एग्जाम्स में आएगी फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हम डेली आपके लिए नए क्वेश्चंस लाते रहते हैं और डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। आप टेस्ट सीरीज को मिस ना करें फ्रेंड्स। अगर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आप फ्रेंड निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी आपके एग्जाम्स में फ्रेंड्स। आपको लक्ष्य भेज दें फ्रेंड्स, कोई भी कठिनाई नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर आप हमारे साइट पर फ्रेंड्स चैनल पर 30 मिनट देते हैं मात्र, और आप फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें और इनके कई बार प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।